आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शासन के निर्देश पर जनपद में शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से की अपील, कहा 59 घंटे के लॉकडाउन का करें पालन, घरों में ही रहें सुरक्षित। नगर निगम ने स्थापित किया कंट्रोल रूम, आपदा में अवसर तलाशने वालों पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। नगर आयुक्त ने कहा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकता है अपनी शिकायत या दे सकता है अपना सुझाव। जनपद के दो ग्राम पंचायतों को मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री दोनों ग्राम पंचायतों को करेंगे पुरस्कृत। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 1078 नए कोरोना संक्रमित मरीज, दो की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 33,785। अब तक 409 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 8,335 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी मोबाइल नंबर पर एसपी सिटी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, विभिन्न मामलों का किया निस्तारण, कहा फरियादी जारी नंबर का उठाएं लाभ, अवगत कराएं अपनी समस्याएं। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने किया राजघाट स्थित अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण, कहा अंत्येष्टि स्थल पर कोरोना मरीजों के शवों को जलाने वाले तथा परिजनों को पीपीई किट की गई है व्यवस्था, पीपीई किट पहनकर ही परिजन हो सकेंगे शव दाह में शामिल। शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रहेगी छूट। नागरिक घर बैठे कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन करके मंगा सकते हैं अपनी सामग्री, एसपी सिटी ने दी जानकारी। 59 घंटे की बंदी के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को लेकर रोडवेज तैयार, बंदी का बसों के संचालन पर नहीं पड़ेगा असर, परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आरटीओ कार्यालय ने 23 अप्रैल से 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने पर लगाया रोक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी। 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के निशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए 24 अप्रैल से कोविड के जारी ऐप पर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, 1 मई को होगा टीकाकरण, सीएमओ ने दी जानकारी। जिला पंचायती राज अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्य, जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम। नगर निगम प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर सहित 70 वार्डों में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सराफा कारोबारियों ने शनिवार रविवार बंदी के बाद भी सोमवार मंगलवार और बुधवार को दुकानें बंद करने का लिया निर्णय। बासगांव पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर जनपदीय शातिर अपराधी गुड्डू उर्फ रामाशंकर पासवान, एक अवैध तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद। जिला अस्पताल सहित 69 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, कहा बहुत आवश्यकता पर ही मास्क लगाकर निकले घर से बाहर। कोरोना संक्रमितों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती महानगर ने बनाया आइसोलेशन सेंटर, 50 बेड के आइसोलेशन वार्ड में शुरू हुई मरीजों की भर्ती। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाए गए 59 घंटे के कर्फ्यू का पुलिस और जिला प्रशासन करा रही है कड़ाई से पालन। चेतना तिराहे पर एसपी सिटी व एडीएम सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर की कार्रवाई, कहा संक्रमण से बचाव के लिए करें लॉकडाउन का पालन।